मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे जानना ही है हर चीज पहले से। वो लोग हमारे घर में आ रहे हैं, हम उनके घर में नहीं जा रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला होगा। मुझे ऐसा डर नहीं है कि वो पहले से रुक चुके हैं तो उनको पता होगा कैसे, वो जब सामने आएगा तो विल रिएक्ट अकॉर्डिंग। इतना कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो जिसके बारे में हर बार हर कोई सुनता है एंड उसका पार्ट होना, सबसे पहले तो वो जानना चाहेंगे कैसे फैसला लिया। सबको पता है कि हर साल मुझे कॉल्स आते ही हैं कि बिग बॉस ज्वाइन कर लो, तो आई थिंक ये थर्ड या फोर्थ टाइम है बिग बॉस ने मुझे कॉल किया है। इस बार आई थिंक मैं पहले बहुत ज्यादा बिजी थी काम को लेकर के, मैं वर्कहोलिक पर्सन, मुझे अच्छा लगता है काम करना, और इस बार मुझे मेरे पास टाइम था, सारे काम जितने भी प्रोजेक्ट्स थे वो मैंने खत्म कर लिए, अभी टाइम था मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स के लिए, तो मैंने सोचा क्यों नहीं, और मैं एक सही फ्रेम ऑफ माइंड में भी हूँ, और जैसे जैसे आप ग्रो होते हैं आप और समझदार होते जाते हैं, यू नो हाउ टू हैंडल इट बेटर। एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस वाला शो है, सो व्हाई नॉट टू टेक दिस। कई कंटेस्टेंट्स का नाम सामने आ रहा है अब तक, क्या आपने थोड़ी सी भी किसी की प्रोफाइल चेक की या जानने की कोशिश की कि कौन कौन आ रहा है घर के अंदर? नहीं, बस थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम के थ्रू पता चल जाता है आपको कि ये है एग्जैक्टली, तो उसी दिन पता चलेगा। यहाँ पे भी मैं अभी क्वारंटीन में हूँ और मैं पूछती रहती हूँ कुछ तो बता दो, नो इज टेलिंग मी। थोड़ा इनक्यूजिटिवनेस तो होता है कि क्या होने वाला है क्या, बट जैसे भी लोग मुझे मिलने वाले हैं वहाँ पे, आई एम गोना वेलकम देम विद ओपन आर्म्स फर्स्ट, फिर उसके बाद जैसे वो बिहेव करेंगे। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे जानना ही है हर चीज पहले से, मैं सिर्फ ये कर सकती हूँ दैट आई कैन बी नाइस, आई कैन बी अ नाइसर पर्सन, दैट्स इट। ओके, आपसे अच्छा जानना चाहूंगी, बिग बॉस ओटीटी के भी कुछ कंटेस्टेंट्स हैं जैसे शमिता, निशांत एंड प्रतीक एंड इवन राकेश का नाम सामने आ रहा है कि दे आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ बिग बॉस 15, तो आपको कितनी ज्यादा ऐसा लग रहा है कि कितना चैलेंजिंग होने वाला है जबकि वो कंटेस्टेंट्स होंगे जो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है घर के अंदर? आई थिंक वो लोग हमारे घर में आ रहे हैं, हम उनके घर में नहीं जा रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला होगा। बाकी ये 4-5 महीने का शो है, वो 1-1.5 महीने का था, तो आप ज्यादा रुकते हैं तो आपके लिए ज्यादा चैलेंजिंग होता है। सो आई कैन जस्ट वेलकम देम एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मुझे ऐसा डर नहीं है कि वो पहले से रुक चुके हैं तो उनको पता होगा कैसे, ह्यूमन नेचर ह्यूमन बिहेवियर आपको कभी पहले से नहीं पता कर सकते हैं, वो जब सामने आएगा तो विल रिएक्ट अकॉर्डिंगली। अच्छा, आपके अब तक की जितने भी बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स रहे हैं उसमें से आपके लिए अगर क्या किसी के आप एडमायर्ड हैं तो वो कौन होगा, और क्या लगता है आपको कि घर के अंदर प्रिडिक्ट करना तो बहुत मुश्किल है लेकिन अब तक के जितने ओवरऑल गेम्स रहे हैं आपको किसकी परफॉर्मेंस दी बेस्ट लगी है? सम पीपल वर लव्ड बाय ऑडियंस बिकॉज दे एंटरटेन देम, एंड ये एक शो है जहाँ पे आपको हर कोई टीवी पर, हम लोग जो है हम एक्टर्स हैं, वी आर हियर टू एंटरटेन ओनली, सो अगर हम लोग सक्सेसफुल होते हैं, लोग हमें प्यार करते हैं, तो वी आर सक्सेसफुल।